प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव 22 अगस्त को संपन्न होंगे। इसको लेकर विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेताओं ने अभी से रैलियां और जनसंपर्क का अभियान शुरू कर दिया है। कैंपस परिसर के बाहर भी चुनावी माहौल साफ देखा जा सकता है। शहर भर के मुख्य मार्ग इन दिनों छात्र नेताओं की पोस्टर और बैनरों से अटे पड़े हैं। इन सब के बीच जेएनयू कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने पुराना परिसर और केन कॉलेज का निरीक्षण किया, जहां कुछ दिन पहले नजर आने वाले छात्र नेताओं के बैनर और पोस्टर लगभग हटाए जा चुके थे। गौरतलब है कि जेएनयू कुलपति ने हाल ही में डीन डायरेक्टर्स को निर्देश दिए थे कि लिंग दो की सिफारिशों पर छात्र संघ चुनाव संपन्न कराए जाए, इसी के चलते सभी नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। निरीक्षण किया तो एक बात को देखकर खुशी हुई कि पूरे परिसर में कहीं भी पोस्टर नजर नहीं आ रहे। इसके बाद कक्षाओं का दौरा किया, कक्षाओं में हमारे शिक्षक सभी थे, स्टूडेंट्स नहीं थे। एक शिक्षक 10 मिनट लेट थे, उन्होंने कहा आइंदा लेट नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त बिजली और लाइट जल रही थी कमरों में, वो बंद कराई और डीन्स को आदेश दिए गए हैं कि वो तमाम क्लासेज को एब्सेंट कर दें आज, और इस तरह की सूचना अखबारों में दें, स्टूडेंट्स को दें कि यदि एब्सेंट हो गए तो परीक्षा में नहीं बैठाया जाएगा, इलेक्शन में नहीं खड़ा हो पाएगा प्रत्याशी अगर अटेंडेंस नहीं है तो। इसी तरह से फिर आर्ट्स फैकल्टी में आए, आर्ट्स फैकल्टी में कोई स्टूडेंट नहीं था, टीचर सभी थे, वहाँ भी मैंने इंस्ट्रक्शन किए दिए हैं डीन के लिए। एक जीप हॉस्टल से कुछ मेहमानों को लेकर जा रही थी, वो जीप के संदर्भ में हमने उसको रोक लिया, पूछ लिया। वो जीप हॉस्टल के रास्ते में थी, उस पर एक नाम लिखा हुआ था, नाम को बच्चों ने तुरंत हटा दिया और माफ़ी मांग कर ये कहा आइंदा नाम लिखकर कोई जीप नहीं आएगी।